दोस्तों, आज की कहानी है बहू थोड़ी सी इज्जत अपने ससुर को दोगी तो सोटी नहीं हो जाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आजकल सोहम जी अपने बेटे और बहू के पास थे। अभी वो बाहर से घूम कर आए थे, तभी उनकी बहू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अरे माँ, जानती हो बोडू को दिन भर कुछ ना कुछ सबाने को सही, और 5 से 12 साय के साथ मिक्सर बिस्कुट भुजा पकौड़े सही होता है। एकदम पक गई हो इनकी फरमाइशों को अंबार पूरा करते करते बहु मोना की आवाज़ों ससुर सोम जी एकदम से सहन रह गए। कटुता का एहसास से लबरेज बहू ने उनके ओदे का अवहेलना कर उनका अवमान किया है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपने आंसू पोंछते हैं और अपने कमरे में जाकर लेट गए। 80 साल के वो सूखे सोम जी की पत्नी कुछ साल पूर्व स्वर्ग सिधार गई थी, तभी बेटे ने उनको शहर आकर रहने को कहा था। इसने वह करीब 6 महीने से बेटे बहू के साथ रह रहे थे। रसोई घर से सवे ही भोजन लेकर खा लेते, अपने कपड़े खुद धो लेते थे, 2 ही बार चाय पीते, अपने छोटे में मोटे काम खुद से कर लेते ताकि बहू पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। फिर भी बहू का इस तरह से सफेद झूठ बोलना हादियों को भेद कर टीस दे गया था। अपने बनाए मकान में वह अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन बेटा सूरज को पिता का अकेला रहना देना खलता है वो लेने गया था। इसलिए वह उसकी बात का मान रखने हेतु गांव से शहर आ गए थे, वरना उनका बिल्कुल मन नहीं था। वहाँ तो पत्नी की यादों के सारे अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे और गांव में उनके हम उम्र लोग भी थे, लेकिन वह बेटे बहू की मोहब्बत में यहाँ आ गए। उनको नहीं पता था बहू को उनको रहना इतना परेशान करेगा, जबकि वह कभी बहू को कुछ नहीं कहते हैं। शाम को बहू चाय और बिस्कुट लेकर दे गई है, सूप साफ खाकर बाहर घूमने निकल गए। जानबूझकर झूठे कब को अपने कमरे में छोड़कर चले गए, ताकि बहू की प्रतिक्रिया जान सके। 2 घंटे बाद लौटे हैं, साथ में बाजार से आम, लीसी और 2.75 किलो हरी सब्जी, 1 किलो सेना का मिठाई बहू को पकड़ा कर हाथ मुंह धोने गुसल खाने में घुस गए। इतना सारा खाने पीने की वस्तु को देख बेटा उत्साह तो बोला, वाह पापा, आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए, क्या बात है। और मिठाई के डिब्बे से मिठाई खाया और पापा को खिलाता है। बहू मोना खनकी से ससुर को देख रही है कि आज सूरज कहाँ से निकल गया है कि सामान ले आए हैं। खैर हमको क्या, बाप बेटा खाए पिए कंधे उसकाते रात के खाने की तैयारी में मशगूल हो गई। और सोम जी भी बेटे के पास बैठ गए। अच्छा बेटा, पकौड़ी खाने का जी हो रहा है। सोम जी जानबूझकर बेटे सूरज को सेरते हुए बोले, वह भी रात के 8 बजे, लेकिन पापा अब तो रात का खाने का समय हो सला है और मोना खाना बना भी ली है, इसलिए भोजन कर लिया जाए, कल पकौड़े बनवाया जाएगा। सूरज उठने लगा है, तभी सोम जी इशारे से बैठने को कहते हैं। उसकी ओर मुखातिब वो कहने लगे, देख बेटा, तेरा बूढ़ा बाप सठिया गया है, इसलिए अभी ही खाने का मन कर रहा है। क्या करें, हम कैसे मन को महसूस कर रहे हैं। इसलिए बहू को बोलना कि पकोड़े बना दे अभी। देख बेटा, मेरा क्या भरोसा, पक्का आऊं कब टपक जाऊं, क्या पता। बाप की बात सुन सूरज भावुक हो गए और बोला, पापा ऐसी बातें ना करे। ठीक है पापा, मैं मोना से बोलता हूँ। और जब सूरज ने मोना पकोड़े बनाने को बोला तो मोना जल भून गई, लेकिन अब सूरज के सामने कुछ कह नहीं सकती थी, मजबूरी थी उसकी। बूढ़ा
बुढ़ाओं को बर्दाश्त करना था। मोना को पहले पकोड़े तलने पड़े, फिर आधे घंटे के बाद भोजन देना पड़ा। इस वजह से मनी मन कोफ्ता खा रही थी। सब खा पी कर सोने चले गए। अब ये रोज का हो गया। सोम जी इस तरह बेटे के समक्ष ही जानबूझकर फरमाइश करते ताकि बहू के अकल को ठिकाने पर ला सके। एक दिन मोना के सबर का बांध टूट गया और अपने पति से रोते रोते कहती है, देखो जी आप अपने पापा को समझाइए ना, खाना के समय कभी कॉफी कभी पकौड़े कभी कुछ मांगते हैं, एकदम परेशान हो जाती हूँ। लेकिन पापा वरद है ना, जो मांगते हैं वह खिला पिला दिया करो, माँ भी नहीं है ना, ऐसे में बेचारे तुमसे ही कहेंगे ना, कहकर करवट बदल सूरज सो गया और मैं मोना अपना सा मुँह लेकर रह गई। अब उसके सर से पानी ऊपर हो रहा था। मोना बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा सूरज से कुछ कहना बेकार है, ससुर जी से ही बात की जाए। सोम जी के पास जाकर कहती है, पापा आप शाम को नाश्ता कर लिया करिए, रात के समय नाश्ता खाना एक साथ बनाने में दिक्कत हो रही है। अरे बहू क्या परेशानी है, बेटा के सामने खाना पीना अच्छा लगता है। वैसे भी तुम सूरज के ऑफिस चले जाने के उपरांत ना तो कभी खाना देती हो ना ही कुछ अच्छा सा पकवान बनाती हो, इसलिए बेटे के रहते मैं बोलता हूँ ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना तैयार करो। वैसे भी तुम माई के फोन कर बोलती हो ना, बुढ़ऊ तंग करते रहते हैं। ऐसे अवशिष्ट अमर्यादित बोल अपने पिता को भी बोलोगी क्या बुढ़ऊ या कुछ और? ससुर के जवाब से मोना निरुत्तर। आज उसके पोल खुल चुके थे, अब उससे डर था कहीं ये बात सूरज को ना बता सक जाए। मोना सोम जी का बहुत ख्याल रखती और उनसे माफी भी मांगी। सोम जी ने कहा, बेटा जो इज्जत अपने पिता की करती हो थोड़ी सी ससुर की कर दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। मोना ने कहा, बाबूजी मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। सोम जी ने बहू के सर पर हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दिए। अब घर का माहौल बहुत खुशगवार था। अक्सर सोम जी बहू के काम में मदद भी करवा देते और मोना का मूड भी अच्छा रहता। सूरज भी ये दृश्य देख बहुत खुश होता। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। जैसे हम अपने पिता के लिए अब शब्द नहीं कह सकते, वैसे तो ससुर भी होते हैं, फिर हम उनको बॉस क्यों समझते हैं? हम चाहते हैं हमारे माँ बाप को कोई भाई भाभी खुश रखे, उनकी हर जरूरत को पूरा करे, तो फिर ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? वही तो हम पर लागू होता।